गुड आफ्टरनून ट्वेल्थ साइंस बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग नॉस्ट इक्वेशन पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो कर चुके होंगे। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आई हो तो फिर आप लोग मुझसे कंसल्ट करें। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी की, जिसको कि आप गिब्स एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। तो गिब्स एनर्जी जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो कि एक सेल को यूजफुल वर्क डन के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि गिब्स एनर्जी जो है वो होती क्या चीज़ है, तो फिर गिब्स एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट होती है किस किस चीज़ का, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग इनटू ईएमएफ का। हम लोग ईएमएफ जो है नर्स इक्वेशन की हेल्प से पहले ही निकालना सीख चुके हैं। हम लोग बात करेंगे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। हालांकि इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए, बट फिर भी मैं आप लोगों को रिमाइंड करा देती हूँ कि हम लोग जानते हैं कि एक मोल इलेक्ट्रॉन्स जो है उन पर जो चार्ज होता है वो 1 फेराडे होता है। अब आप लोग कह सकते हैं मैम चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर हम लोग यहाँ पर 1 सेकेंड की बात करेंगे, तो फिर चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होगा, 1 फेराडे, या फिर उस पर इलेक्ट्रिसिटी वो कितना फ्लो करेंगे, 1 फेराडे ही। तो एन मोल्स जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कितनी होगी, NF, या फिर उन पर चार्ज जो होगा वो होगा NF। तो हम लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि गिब्स एनर्जी जो कि हम लोग जानते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए नेगेटिव होनी चाहिए, ऐसा आप लोग 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, तो वो जो है वो इलेक्ट्रिक वर्क डन के इक्वल है। इलेक्ट्रिक वर्क डन को हमने कहा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू ईएमएफ। ईएमएफ को हम लोगों ने नर्स इक्वेशन में ई सेल से रिप्रेजेंट किया था। चार्ज जो है या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम लोगों ने एनएफ निकाल लिया। तो डेल्टा जी जो है इस माइनस के साइन को बेटा हम लोग इस तरफ लेके चले गए, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एनएफ ई सेल। अब अगर हम लोग बात करें कि अगर रिएक्टिंग स्पीसीज जो है वो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 1 हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, जो EMF है वो स्टैंडर्ड EMF हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। तो ई सेल जो है उसको ई नॉट सेल कहेंगे, और यहाँ पर जो गिब्स एनर्जी है उसको स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी कहेंगे। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल हो जाएगा। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि हमने नर्स इक्वेशन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर ई सेल की वैल्यू को 0 रखा था और QC की जगह पर KC, तब हम लोग इस इक्वेशन को फाइंड आउट करके लेके आए थे। तो हम इस ई सेल की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट कर देंगे तो हम लोग पाएंगे कि NF से NF कट जाएगा और हमारे पास डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो है वो -2.303 RT log KC जो है वो बचेगी, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे जो है फर्दर यूज़ करेंगे किस चीज़ के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। तो आप लोग चाहें तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, इंडेक्स का क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको वहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है, आपसे कहा गया है कि ई नॉट सेल की वैल्यू आपको दे रखी है 0.236 वोल्ट एट 298 केल्विन। आपसे डेल्टा जी नॉट निकलवाया गया है और आपसे केसी निकलवाया गया है। एन की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए 2 आती है। किस तरीके से इसको मैं प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ूंगी। बट जब मेरे पास कॉपी आए तो बेटा आपकी कॉपी में क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हम लोग जानते हैं, उसके बाद एन की वैल्यू है, ई नॉट की वैल्यू है, एफ की वैल्यू है, हमने डेल्टा जी नॉट जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। डेल्टा जी नॉट जो है जो हम कैलकुलेट करेंगे वो जूल मोल इन्वर्स में आएगा, बट अधिकतर बुक्स में आंसर जो है वो किलो जूल मोल इन्वर्स में होता है। तो हालांकि मैं कहूँगी कि आप लोग जूल मोल इन्वर्स तक छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप आंसर मैच करना चाहते हैं उस हिसाब से मैंने आपको किलो जूल मोल इन्वर्स में भी लिख के दिखा दिया है। अब हम लोग जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो है वो -2.303 RT log KC है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो हमने डेल्टा जी नॉट की वैल्यू को ऊपर से पुट कर दिया है, आर की वैल्यू हमें पता है, टी की वैल्यू हमें पता है, हमें लॉग केसी निकालना है। हम लोग लॉग केसी हम लोगों ने जो भी मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में ले गए वगैरह वगैरह। देन हम लोगों ने क्या किया है, इसको पूरे को सॉल्व किया है। एंटी लॉग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट से पहले जितनी भी डिजिट है, अगर ये प्लस में है तो पॉइंट से पहले जो भी चीज़ है आपने उसको जो है कहाँ पर उठा करके रखा, 10 की पावर्स में। देन एंटी लॉग टेबल में 98 में 2 का देखेंगे और 6 में मीन डिफरेंस। देन हम लोग जो है यहाँ पर आंसर को पुट करके रख देंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है तो फिर आप पूछ सकते हैं।